भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों में से एक भगवान श्री हरि विष्णु का वराह का अवतार भी है, जिसे श्री नारायण का तीसरा अवतार मान जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों सनकादिक ऋषि कहलाते हैं और देवताओं के पूर्वज मान जाते हैं। संपूर्ण लोगों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के दो द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और बैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रुद्ध होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे मुनिगणों, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो श्राप दिया है वो मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। ये 3 जन्म असुर योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे ही द्वारा इनका संहार होगा। ये मुझसे शत्रु भाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। तब जय विजय का पहला जन्म सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में हुआ और वराह अवतार और नरसिंह अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का संहार हुआ और त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में इनका संहार भगवान श्री राम द्वारा हुआ और अंत में तीसरे जन्म द्वापर में इनका संहार शिशुपाल और दंतवर के रूप में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ और ये उसके बाद भगवान श्री विष्णु के निवास बैकुंठ धाम में वापस चले गए। पहले जन्म में दोनों ने ऋषि कश्यप और द्वितीय के पुत्रों के रूप में जन्म लिया और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कहलाए। दोनों दैत्यों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन दैत्यों को विजय प्राप्ति का वरदान तक दे दिया। इसके बाद इन दोनों दैत्यों ने पृथ्वी पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। दोनों ने पृथ्वी वासियों को परेशान करना शुरू कर दिया। धरती पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। हिरण्याक्ष ने यज्ञ आदि कर्म करने पर लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से हिरण्याक्ष से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत आग्रह किया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने नासिका से वराह नारायण को जन्म दिया। इस तरह श्री हरि के वराह अवतार का जन्म हुआ। एक बार दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। सभी देवताओं ने पृथ्वी को ढूंढने का आग्रह किया। हिरण्याक्ष एक दिन घूमते हुए वरुण देव की नगरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में जाकर हिरण्याक्ष ने वरुण देव को युद्ध करने के लिए ललकारा। वरुण देव बोले कि अब मुझमें लड़ने का चाव नहीं रहा है। तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के लिए मैं अब इस योग्य नहीं हूँ। तुम्हें विष्णु जी से युद्ध करना चाहिए। वरुण देव की बात सुनकर हिरण्याक्ष ने देव ऋषि नारद से नारायण का पता पूछा। देव ऋषि नारद ने उन्हें बताया कि नारायण इस समय वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र से निकालने के लिए गए हुए हैं। तब हिरण्याक्ष तुरंत उसी स्थान के लिए प्रस्थान कर गया, क्योंकि उसी ने ही पृथ्वी को समुद्र में छिपा रखा था। वहां पहुंचने पर हिरण्याक्ष ने देखा कि भगवान श्री हरि नारायण वराह अवतार में पृथ्वी को ले जा रहे हैं। हिरण्याक्ष ने भगवान वराह को युद्ध के लिए ललकारा और महायुद्ध का आरंभ हो गया। भगवान विष्णु ने अपने दांतों और जबड़ों से हिरण्याक्ष का पेट फाड़ दिया और पृथ्वी को फिर से अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। जय श्री हरि विष्णु।